हेलो एवरीवन। सो हर कोई बात कर रहा है ब्यूटी स्टीरियोटाइप्स के ऊपर, तो मैंने सोचा मैं भी वीडियो बना लूँ। तो मेरी बहन ने कहा कि शूट करने से पहले हाइड योर सर्कल्स। सो मैंने कहा है टाइम नहीं है, अभी टॉपिक ट्रेंड में चल रहा है तो फटाफट बनाना पड़ेगा। तो कहा कि ओके चलो फिल्टर्स से काम चल जाएगा। तो ऑफकोर्स ये सब कुछ हमारे नर्व्स में है, जैसे कि इफ़ समवन इज़ डार्क इन स्किन टोन, सो अगर किसी अनपढ़ गवार के लिए वो काला होगा, काली होगी, और प्रोफेशनल पढ़े लिखों के लिए होगी वो डस्की स्किन। बट हम सब जानते हैं हम किस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ डील करते हैं, एंड वी ऑल नो दैट जितने भी केसेस करवा लो, वी नो दैट एंड वी आर वेरी पर्टिकुलर एंड वेरी चॉइसफुल अबाउट दैट बीइंग फेयर इज ओनली लवली। इसे तोड़ने के लिए इन्होंने ग्लो एंड लवली चेंज तो कर दिया है नाम, बट शायद इट इज़ ओवर योर, सो वो चेंज नहीं होगा तब तक नॉट मटरेबल। देन इफ समवन इज फैट, तो ऑब्वियसली वो हेल्दी नहीं है, और वी गेव देम नेम्स लाइक डम्बो, जम्बो, हाथी टाइप। और अगर समवन इज थिन, लाइक एक्स्ट्रा थिन, तो लाइक दे डोंट ईट एनीथिंग, वी कॉल देम इन माचिस की तीली और समथिंग। ऑफकोर्स अगर किसी के फेस पे स्कार है तो दैट इज अगली, और अगर किसी की जबान भी गंदी है बट फेस अच्छा है, बट दैट इज़ नॉट अगली। सो दिस इज़ वॉट आई कैन से स्टीरियोटाइप्स आर विच इंडियन सोसाइटीज एंड आई थिंक स्टूडेंट्स स्कूल में, गली कूचों में, दिस आर द मैटर ऑफ डिस्कशंस। पता है लोगों की पूरी लाइफ बदल जाती है, नाम पड़ जाता है यार। चश्मे वाला है तो लाइक चश्मिश, और इफ इज़ अ यू नो व्हाट आई मीन, राइट? सो या सो इन्हें स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करना है, और इसीलिए वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम होम, ऑब्वियसली स्टार्ट फ्रॉम होम एंड ब्रेक द स्टीरियोटाइप्स। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बीहोल्डर, सो द स्माइल